दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके बाल काले, घने और मजबूत हो, लेकिन आज के समय की स्थिति ये है कि करीब 90% लोग अपने बालों से परेशान हैं। समय से पहले बालों का सफेद होना, बालों का तेजी से झड़ना और डैंड्रफ आजकल हर तीसरे आदमी को परेशान कर रहा है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाकर इसका कारण पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएंगे कि बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ हमारी डाइट का होता है। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो बालों की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। इसके अलावा शरीर में विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी होने पर भी बाल झड़ते हैं। बालों के लिए सिर्फ देखभाल ही काफी नहीं है, इसके अलावा अच्छा खान पान भी बहुत जरूरी है। बालों की वृद्धि के लिए विशेष पोषक आहार लेने चाहिए, जिससे आप अपने बालों को लंबा, घना और काला बना सके। यानी लंबे बालों के लिए संतुलित और स्वस्थ खान पान जरूरी है। अगर आप भी हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि विटामिन B6 का सेवन किन आहारों से किया जाए, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मांसाहारी पदार्थों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भरपूर मात्रा होती है, परंतु शाकाहारी लोगों को विशेष रूप से अपने भोजन पर ध्यान देना चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कुछ मुख्य स्रोत हैं। हमें डेयरी उत्पादों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, जैसे दूध, दही, पनीर, चीज, मक्खन और सोया मिल्क आदि। इसके अलावा जमीन के भीतर उगने वाली सब्जियों जैसे आलू, गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर आदि में भी विटामिन बी आंशिक रूप से पाया जाता है। सोया में प्रोटीन और विटामिन के साथ B12 भी भारी मात्रा में होता है, इसलिए इसका सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अंकुरित अनाज प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है, इन्हें आप कच्चा खा सकते हैं, सलाद में या हल्का मसालेदार बनाकर भी खा सकते हैं। लेकिन जो लोग एसिडिटी का शिकार होते हैं, वे अंकुरित अनाज ज्यादा मात्रा में ना खाएं। चना, मटर, मूंग, बीन्स और मूंगफली आदि को रात में पानी में भिगोकर रखें और फिर सूती कपड़े में छानकर रखने से ये अंकुरित हो जाते हैं। एक कप बीन्स में 15 ग्राम प्रोटीन होता है। खान पान के दौरान आप हरी सब्जियों और फलों को अपने आहार में शामिल करें। एक दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिए। इसके साथ ही आप अन्य तरल पदार्थ जैसे ग्रीन टी, लेमन टी, फलों का जूस और सब्जियों के जूस इत्यादि को भी शामिल कर सकते हैं। लंबे बालों के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। विटामिन बी युक्त खाना जैसे दाल, आम और पपीता इत्यादि लें। अगर आप मांसाहारी हैं, तो आप प्रोटीन युक्त गोश्त, मछली, दूध, पनीर, अंडे, दही और सोयाबीन इत्यादि भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। विटामिन ए से युक्त पालक जैसी कुछ हरी सब्जियां, साथ ही मछली के तेल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा विटामिन ए के स्रोतों का अधिक से अधिक सेवन करें। लंबे बालों के लिए विटामिन बहुत जरूरी है और ये आपको बालों की अन्य समस्याओं से भी बचाएगा। ऐसे में आप विटामिन B6, B12 और बायोटिन से युक्त भूरे चावल, गोभी, मशरूम्स, ओट्स, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, सोया, मटर, दालें और पके हुए अंडे का पीला भाग भी ले सकते हैं, और विटामिन सी युक्त ताजी काली मिर्च, खरबूजा, आलू, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि ले सकते हैं। फॉलिक एसिड, आयरन और आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे चावल, ओट्स, चुकंदर, प्याज, स्ट्रॉबेरी, पत्ता गोभी, ककड़ी और फूल गोभी का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। ज्यादा मीठा या फिर मैदे युक्त भोजन को ना करें, इससे बाल खराब होते हैं और उनकी ग्रोथ भी रुकने लगती है। शुगर युक्त खाद्य पदार्थ, फुल क्रीम दूध, मिठाइयाँ, कैफीन युक्त पदार्थ जैसे कॉफी, चाय, कोला और चॉकलेट, ये शरीर के शक्तिवर्धक पदार्थों को कम करते हैं और इससे बाल गिरते हैं, साथ ही बालों की ग्रोथ पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन पदार्थों को खाने से बचना चाहिए। लंबे बालों के लिए आपको मांसाहारी भोजन, खासकर मछली से बनी डिश इत्यादि लेनी चाहिए। इससे आपके बालों में चमक भी आएगी और बाल लंबे भी होंगे।